हे गाइस, वेलकम बैक टू चंडीगढ़ ब्यूटी चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आपके फेस पर बहुत ज्यादा झाइया है, आपके फेस पर छोटे छोटे निशान है, चाहे वो ब्लैक कलर के हो या फिर ब्राउन कलर के, आपके फेस के जो आपका जो स्किन टोन है वो बिल्कुल भी इवन नहीं है, प्लस आपको डार्क सर्कल की भी प्रॉब्लम है, आपके फेस पर अगर छोटे छोटे पिंपल के भी निशान है, आपको मिलाजमा की भी प्रॉब्लम है, अगर ये सब प्रॉब्लम ने आपको घेर रखा है, तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसा प्रोडक्ट यानी कि एक ऐसी क्रीम लेकर आई हूं, अगर आप इसको अप्लाई करेंगे, डेली आपको इसको अप्लाई करना है, तो धीरे धीरे आपके फेस से ये सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और आपको मिलेगी क्लियर स्किन। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 7 डेज की ये जो फिलोप नेचर गुडवाइव ब्लेमिशेस एंड पिगमेंटेशन क्रीम है, इसका ही रिव्यू आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आपकी स्किन टोन को काफी हद तक ब्राइट भी करेगा, आपके जो स्किन का टेक्सचर है उसको भी इम्प्रूव करेगा। आपके बारे में थोड़ा डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। 100 ग्राम की इसकी क्वांटिटी है, इसको कैसे यूज करना है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है और इसको कैसे अप्लाई करना है, वो सब इसकी पैकेजिंग पर मेंशन कर रखा है। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपायरी डेट की, तो 2 इयर्स इसकी एक्सपायरी डेट है। बिल्कुल ऑर्गेनिक हर्बल ये प्रोडक्ट है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, एक बार आप जरूर ट्राई करना इसको। बात करते हैं इसकी एमआरपी की, तो देखिए वैसे तो इस पर 599 मेंशन है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप इसको परचेस करेंगे तो अच्छा खासा डिस्काउंट इन सब प्रोडक्ट पर चलता रहता है, आपको मिल जाएगा, लिंक के थ्रू ही आपको इसको परचेज करना है। तो चलिए सबसे पहले तो इसके इन्ग्रीडियंट्स में आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके इन्ग्रीडियंट्स में जैसे पपाया है, पपाया भी आपकी स्किन को निखारने का काम करता है। ऑरेंज ऑयल है, ऑरेंज ऑयल भी जितने भी दाग धब्बे होते हैं वो आपकी स्किन से दूर करके आपको क्लियर स्किन यानी कि आपकी स्किन को ब्राइट करने का काम करता है। और इसमें एलोवेरा जेल भी है, जो आपकी स्किन से जितने भी निशान है, अगर फुंसी के हैं या फिर आपकी स्किन को मेलाजमा की प्रॉब्लम है या फिर आपको डार्क सर्कल भी है, उन सब प्रॉब्लम से भी दूर करेगा। हम क्या करते हैं, फेस के लिए अलग से और डार्क सर्कल के लिए अलग से क्रीम लेते हैं, लेकिन फ्रेंड इस एक क्रीम से आपका सारा काम हो जाएगा। जी हाँ, आपको अपने फेस के साथ साथ इसको नेक पर भी अप्लाई करना है, जी हाँ गर्दन पर भी आपको अप्लाई करना है। 3 से 4 महीने तक जैसे मैंने बताया इसको रेगुलर यूज करना है। बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसको 2 बार यूज कर रही, एक बार मॉर्निंग में नहाने के बाद और एक बार नाइट में जब आप सोने जाए तब इसको यूज कर सकते हैं। ओवर नाइट आप इसको ऐसा भी अपने फेस पर लगा छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको इसको फेस वॉश करना ही है, आप इसको ऐसा लगा छोड़ दीजिए, कोई भी साइड इफेक्ट आपके फेस पर नहीं होगा। जैसे मैंने बताया ये बिल्कुल हर्बल है, ऑर्गेनिक है। बात करें इसकी फ्रेग्रेंस की, तो काफी लाइट वेट है प्रोडक्ट। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके का ये प्रोडक्ट है। तो देखिए कुछ इस तरीके की क्रीम है, और व्हाइट कलर की ये क्रीम है और बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है। समर में हम सोचते हैं कि कोई क्रीम वगैरह हम अपने फेस पर लगाएंगे तो हमारा फेस और भी ऑयली दिखेगा, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लाइव, मैंने इसको लगाया और आप मेरे फेस पर देखना बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि मैंने कोई चीज लगाई, क्योंकि बिल्कुल भी ऑयली आपके फेस को नहीं दिखाएगा। ऑल स्किन सुटेबल है, हर स्किन टाइप के लोग इसको यूज कर सकते हैं, मैन और वुमेन दोनों इसको यूज कर सकते हैं। आपको एक बात का और ध्यान रखना है, आपको इस क्रीम को फेस को वॉश करने के बाद लगाना है। जी हाँ, ऐसे नहीं आपको ना तो इसको मेकअप के ऊपर अप्लाई करना है, ना ही ऐसे गंदे फेस पर आपको अप्लाई करना है। बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको क्या करना है, फेस वॉश को आपको अप्लाई करना है। इससे पहले मैंने जो 7 डेज का मुल्तानी मिट्टी वाला फेस वॉश है उसका रिव्यू अपने चैनल पर शेयर किया है, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप उसको लगाइए, उसके बाद फिर आप इस क्रीम को लगाइए, काफी अच्छा बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलने वाला है। जब आपके फेस से धीरे धीरे झाइया खत्म हो जाएगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कितना इस क्रीम से फायदा हुआ है और कितने दिनों में आपको इसका रिजल्ट दिखने लगा। सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको यूज कर सकते हैं, यूज करने का तरीका भी मैंने वीडियो में बताया। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है इस क्रीम के बारे में, आप और कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।